नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल ओला उबर टिप्स में। और मेरे पास एक भाई का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था जो उबर फ्लीट ऐप कैसे चलाए, उबर फ्लीट ऐप में हम अपने ड्राइवर को कैसे ऐड करें, कितनी पैसे की कमाई हुई है हम कैसे चेक करें, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर एक्सपायर हो जाए तो उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं यानी अपलोड कर सकते हैं। तो उबर के बारे में आज विस्तार से मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा और ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर बनेगी। आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं कोई भी ओला उबर रैपिडो रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरा चले जाए। तो सबसे पहले उबर को समझते हैं, जो उबर है क्या और उबर फ्लीट क्या है। तो उबर को समझने के लिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 20 से 25 सेकंड का वक्त लूँगा। उबर के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे उबर के पास टोटल 3 ऐप है। कितना ऐप है? 3 ऐप है। ये उबर हो गया, ये जो है पैसेंजर के लिए है जिनको उबर बुक करना है, जो बुक करेंगे उबर ऐप का यूज करेंगे। जो उबर ड्राइवर हैं चाहे उबर ड्राइवर ऐप को यूज करेंगे, उबर ड्राइवर ऐप को लॉगिन करके ड्यूटी ऑन करेंगे और राइड कंप्लीट करेंगे। और उबर फ्लीट ऐप जो आप देख पा रहे होंगे ये एक तरह से एक फ्लीट हो जाता है ऑनर का, इसमें वो एक से ज़्यादा गाड़ी को ऐड कर सकता है, ड्राइवर ऐड कर सकता है, अपनी सारी गाड़ियों का स्टेटस एक तरह से कहिए तो GPS की तरह ही काम करता है। सारे दिन का जो है कितनी किलोमीटर चली है, कितना कमाई हो गया, किस ड्राइवर ने कितना रुपया का काम किया, किस लोकेशन पे है, ये सारा कुछ दिखाता है। तो सबसे पहले हम जो है आ जाते हैं उबर फ्लीट ऐप में। तो उबर फ्लीट ऐप को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे जब भी आपका पार्टनर अगर ऑनलाइन रहेगा तो इस तरह से कुछ शो होगा, आपको ऑनलाइन कुछ इस तरह से दिखेगा और वो अभी जो है इन ट्रिप में है। इन ट्रिप का मतलब क्या है? जो अभी उनके पास राइड आया हुआ है और वो राइड को परफॉर्म कर रहे हैं। इस अगर मैं इस पर टच कर देता हूँ तो टच करने के बाद कुछ इस तरह से पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे अभी कार का लोकेशन यहाँ है और इस लोकेशन पे हमारे पार्टनर को ड्रॉप करना है। नीचे जस्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 6 बुकिंग अभी तक कंप्लीट हो चुका है और 1039 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। तो हम आ जाते हैं थोड़ा सा बैक। आपको अपनी गाड़ी को ट्रैक करना है तो इस तरह से आपका जब भी ड्राइवर ऑनलाइन रहेगा तो यहाँ दिख जाएगा और नहीं अगर ऑफलाइन रहेगा तो यहाँ आपका व्हीकल में यहीं पर दिख जाएगा ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो जैसा कि इस उबर फ्लीट में आप देख पा रहे होंगे टोटल जो है 1, 2, 3, 4 और ये पांच आइकन दिए हुए हैं। सारे आइकनों के बारे में आप विस्तार से आज मैं आपको जानकारी दूंगा तो आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले इस पर हम आ जाते हैं तो ये लाइव दिखाता है। इस पर जब भी आप टच करिएगा तो आपकी गाड़ी की गतिविधि, आपकी गाड़ी अभी किस लोकेशन पर है वो आपको दिखाई देगा। जस्ट इसके बगल में आते हैं यहाँ पे 3 डॉट वाले पे, तो यहाँ आने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड जब ओपन हो जाए तो इसके बाद जो है यहाँ आप 3 डॉट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3 डॉट, इस 3 डॉट पे अगर आप टच कर लेते हैं ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख पा रहे होंगे आप इनबॉक्स है, जो भी आपका मैसेज आएगा कुछ इस तरह से आपको मैसेज दिखेगा जो उबर ने आपको क्या मैसेज किया है। फिर से हम 3 डॉट पे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही आप टच करिएगा तो डॉक्यूमेंट्स पे आपको यहाँ आपका पैन कार्ड अपलोड दिख रहा है, बैंक का पासबुक अपलोड दिख रहा है, बैंक का सारा डिटेल्स आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा जिस अकाउंट में आपकी पेमेंट जाएगी। राइड 2 प्रकार का होता है, एक कैश ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रिप। अगर ऑनलाइन ट्रिप हुआ रहेगा, अगर ऑनलाइन ट्रिप होगा तो आपके अकाउंट में पेमेंट को अगले दिन ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो हम बाइक आ जाते हैं फिर 3 डॉट पे, ये ड्राइवर्स वाला जो ऑप्शन है इसको टच करके आपको दिखाते हैं। तो इस ड्राइवर वाले ऑप्शन में आने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा जो आपके पास टोटल कितना ड्राइवर अभी जो है एक्टिवेट है यहाँ पे दिख गया। और अगर आपको नया ID बनाना है तो इस प्लस वाले इस ऑप्शन पे आप टच करेंगे। कुछ इस तरह से टच करने के बाद सबसे पहले जिसका आप ID बना रहे हैं उसका मोबाइल फ़ोन नंबर, ड्राइवर का अगर ईमेल एड्रेस हो तो ईमेल एड्रेस यहाँ डालना है, ड्राइवर का फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है और DL
लाइसेंस नंबर, यहाँ आधार नंबर नहीं भरना मेरे भाई, लाइसेंस नंबर भरने के बाद तो इसको ऐड कर देना है। ऐड हो जाने के बाद ड्राइवर अपने मोबाइल फ़ोन में ऊबर ड्राइवर ऐप को इंस्टॉल करेगा और इसी नंबर से वो लॉगिन होगा, ऊबर से ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप ड्राइवर को ऐड कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं ये थ्री डॉट पे, एक बार ड्राइवर वाली इस ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो आप कुछ इस तरह से जो है ड्राइवर को ऐड कर सकते हैं। किसी ड्राइवर को इन्वाइट करना है तो आप कुछ इस तरह से इन्वाइट भी कर सकते हैं। अगर कोई ड्राइवर अगर आपके पास रिक्वेस्ट भेजा गाड़ी चलाने के लिए तो आपको डिक्लाइन करना है, एक्सेप्ट करना है, वो कुछ भी आप कर सकते हैं। चलिए हम बाइक आ जाते हैं। बाइक आने के बाद आप ड्राइवर वाले ऑप्शन में देख लिए, व्हीकल्स में जो भी आपकी गाड़ी ऐड रहेगी वो गाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो आपकी कितनी गाड़ी ऊबर के साथ अटैचमेंट है वो सारा कुछ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर से हम एक बार जो है बाइक आ जाते हैं और बाइक आने के बाद फिर वही ऑप्शन का एक बार चयन करते हैं, आपको सारा जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले व्हीकल वाला ऑप्शन आप देख लिए, परफॉर्मेंस वाला जो ऑप्शन है, परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन में सारा कुछ डिटेल्स आपको दिख जाएगा, डेट बाय डेट जो कितने रुपए की अर्निंग हुई। आप यहाँ ड्राइवर्स देख रहे हैं, यहाँ व्हीकल्स देख रहे हैं, यहाँ जो है डेट लगा हुआ है, इस पर अगर आप टच करेंगे, मान लीजिए मुझे आज का नहीं देखना, मुझे कल का देखना, तो मैं 28 पे टच करूँगा, अप्लाई कर दूँगा और 28 का रिजल्ट मुझे निकाल के फिल्टर की सहायता से मुझे मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कल की डेट की हमारी अर्निंग है, टोटल 14 ट्रिप कंप्लीट हुआ था। मैं इसको विस्तार से आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। तो जैसे ही आप टच करेंगे तो टच करने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। टोटल जो है आपकी कार कल 8.98 घंटे ऑनलाइन रहा, ठीक है। आप स्क्रॉल डाउन करके कुछ नीचे आएंगे तो सारा जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे फर्स्ट ट्रिप इतने तारीख को इतने बजे किया, फर्स्ट ऑनलाइन कितने बजे पार्टनर हुआ था 8:31 में, लास्ट ट्रिप जो है कितने बजे ख़त्म किया इतने बजे, लास्ट ट्रिप ऑनलाइन कितने बजे शाम को था इतने बजे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, अर्निंग आप देख पा रहे होंगे 2984.54 रुपया, ये कल की अर्निंग है। और नीचे आने के बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे कैश अर्निंग जो है 99.98%, मतलब 99.98% जो है कैश की अर्निंग हुई। या यहाँ आप देख पा रहे होंगे कमाई 2980 है और कैश कलेक्शन भी 2980 ही है। और नीचे आते हैं एवरेज कैश कलेक्शन, मतलब पर बुकिंग के हिसाब से मान के चलिए 212 रुपये के हिसाब से जो है पैसा मिला है। कैश कलेक्शन 2980, ट्रिप मीटर कल की डेट में कितना ट्रिप कंप्लीट किया, तो 14 ट्रिप कंप्लीट किया। ट्रिप घंटा, ये मतलब ट्रिप जितना देर जो आप ट्रिप कंप्लीट कर रहे थे, ओटीपी डालने के बाद जब आप राइड स्टार्ट करते हैं तो वो कैलकुलेशन यहाँ दिखाया जाता है, तो उसका 1.56 दिख रहा है। आप भले ही 8 घंटे 9 घंटे लॉगिन थे लेकिन आप ट्रिप कितना देर किए ओटीपी डालने के बाद, वो चीज़ का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। और नीचे आते हैं कल की डेट में हमारे पार्टनर ने 47% ट्रिप जो है एक्सेप्ट किया है और 7% यहाँ पे कैंसिल आपको दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से आप फिल्टर का चयन करके डेली बाय डेली का देख सकते हैं। मान लीजिए आपको 6 दिन पहले का देखना है, मैं 18 पे आ जाता हूँ, 18 का अप्लाई करूँगा, 18 तारीख का रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपनी कमाई इसमें चेक कर सकते हैं। पेमेंट्स पे जब आएंगे तो पेमेंट्स पे आने के बाद आपको अभी कितना पैसा ऊबर को कमीशन देना है, जो भी आप राइड कंप्लीट करते हैं उस राइड में कुछ कमीशन का हिस्सा होता है जो कि ऊबर का होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 450.42 रुपया मुझे ऊबर को चुकाने हैं। जैसे ही अगर कोई ऑनलाइन ट्रिप अभी कंप्लीट होगा, मान लीजिए 150 का, तो 450 में 150 रुपया लेस होके जो फाइनल रिजल्ट रहेगा यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप डेट बाय डेट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे नीचे टोटल आपको यहाँ पर डेट के साथ दिख जाएगा, जो 17/4/24 से 29/4/24 तक टोटल जो है ये कैलकुलेशन आपको सामने नज़र आ रहा होगा। टोटल अर्निंग कितनी हुई, रिफंड एंड एक्सपेंस, रिफंड यानी जो प्रमोशन का पैसा मिलता है उसे रिफंड में काउंटिंग हो, जो प्रमोशन का पैसा मिलता है उसे रिफंड में काउंट करता है ऊबर, और जो टोल का भी मिलता है तो 622 है। और 622 किस तरह से है यहाँ आप देख पा रहे होंगे, रिफंड में 622 रुपये दिखाया जा रहा है।
उसके बाद कैश कलेक्शन 24,528 रुपया है और टोटल कमाई 23,494 था, इसलिए 450 रुपया जो है वो पे करना है। आप देख पा रहे होंगे हर ट्रिप पे कितना कितना कमीशन लगा, वो सारा कुछ यहाँ आपको दिख रहा है। 61 रुपया यहाँ कमीशन लगा है, 14 रुपया लगा है, तो कुछ इस तरह से डेट बाय डेट आप चेक कर सकते हैं। इस 3 डॉट पे फिर आते हैं लाइव मैप। ये क्या है लाइव मैप पे अगर हम टच करेंगे तो वही जो गाड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिखाई जाएगी, आपकी गाड़ी कहाँ है वही चीज़ यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। देख पा रहे होंगे आप यहाँ आपकी कार शो हो रही है, ठीक है। इस 3 डॉट पे आ जाते हैं, प्रमोशन वाला ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। जो भी कुछ प्रमोशन रहेगा वो आपको प्रमोशन वाली इस ऑप्शन में दिख जाएगा। और अकाउंट जो है, अकाउंट्स पे आप क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, बैंकिंग, इनवॉइस, स्विच फ्लिट, हेल्प और साइन आउट। अकाउंट वाली इस ऑप्शन पे का अगर आप जब भी चयन करेंगे तो आप बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकते हैं, इनवॉइस का ले सकते हैं, स्विच फ्लिट का ले सकते हैं, हेल्प का ले सकते हैं और साइन आउट का ले सकते हैं, यानी लॉग आउट आप कर सकते हैं। ये 3 डॉट में मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया, जानकारी भी दे दिया। अब आ जाते हैं इस वाले बटन पे। इस वाले बटन पे आने के बाद आपको वही चीज़ दिखेगा जो ऊबर का बकाया कितना पैसा है, कितना जमा करना है, आपको सारा कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा। एक बेल आइकन यहाँ भी दिया हुआ है नोटिफिकेशन का, अगर कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा तो आपको सामने देखने को मिल जाएगा। अब ये जो आइकन बना हुआ है ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इस आइकन को अगर टच करते हैं तो आपको इतना ऑफर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, करेंगे तो आपका प्रोफाइल नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस क्या है वही शो करेगा। यहाँ ड्राइवर्स पे जब आप आते हैं तो ड्राइवर्स पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा, अभी एक्टिव कितना है, रिजेक्ट में कितनी आईडी पड़ी है, पेंडिंग ऑनबोर्डिंग में कितनी पड़ी है। पेंडिंग ऑनबोर्डिंग जिस आईडी को आप बना रहे हैं, न्यू प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो ऑनबोर्डिंग में काउंट आता है, तो ऑनबोर्डिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई पार्टनर को जब ऊबर डीएक्टिवेट कर देगा तो डीएक्टिवेट में शो होगा। तो ड्राइवर वाली इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, व्हीकल वाली इस ऑप्शन में आप जाएंगे तो व्हीकल वाली इस ऑप्शन में आपको व्हीकल्स दिख रहा है, जो आपके आपका कितना कार जो है ऊबर प्लेटफॉर्म पे अटैचमेंट है। जस्ट नीचे आएंगे तो ऐड व्हीकल का ऑप्शन है, यहाँ से आप नई कार को ऐड भी कर सकते हैं घर बैठे, आपको कहीं भी ऊबर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ऐड व्हीकल्स पे जाएंगे, जैसे कि इस तरह से ऐड व्हीकल पे जाना है और जाने के बाद आपको लाइसेंस प्लेट नंबर यहाँ डालना है और आईडी डाल देना है यहाँ पे, बस दो ऑप्शन डालने के बाद ऐड व्हीकल पे जैसे ही आप टच करिए, नेक्स्ट स्टेप आप आगे बढ़ के अपना सारा डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं। एम्प्लॉय सेटिंग पे आप अगर टच करते हैं तो एम्प्लॉय का आप सेटिंग भी कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए 2 ड्राइवर्स हैं तो 2 ड्राइवर जो हैं कितने कितने देर चलाएंगे, किस शिफ्ट में चलाएंगे, उस वो चीज़ आप ऊबर को बता सकते हैं हेल्प वाली इस ऑप्शन में जाने के बाद। पर आपको कुछ सहायता लेना हो ऊबर टीम से तो आप वो भी ले सकते हैं, सहायता भी ले सकते हैं। चलिए इस ड्राइवर्स वाली इस ऑप्शन पर टच करते हैं और टच करने के बाद यहाँ मेरा पार्टनर ऑनलाइन दिख रहा है, मैं इसको टच कर लेता हूँ। टच करने के बाद आज का जितना भी ट्रिप कंप्लीट हुआ होगा वो ट्रिप्स में दिखेगा, तो मैं ट्रिप्स पे एक बार टच कर लेता हूँ। और टच करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे यस्टरडे, यहाँ से जो नीचे है वो कल का था, ये आज का है। तो आप देख पा रहे होंगे एक राइड से हमें 116 रुपये मिला है, एक और राइड है 125 रुपये का कंप्लीट हुआ है, एक 215 का राइड है, एक 158 का है, एक 96 का है, एक 158 का है, एक 185 का है। अभी तक कुल इतना राइड कंप्लीट हुआ है। अब आप कहते होंगे 96 रुपये कैसे मिल रहा है कार को, मैं आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ जो 96 रुपये मुझे कितने किलोमीटर का और कितने टाइमिंग का मिला। तो 96 पे टच करते हैं, 96 पे टच करने के बाद जैसे ही पेज ये खुल जाता है मैं आपको सारी जानकारी आपके सामने दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ डेट और टाइम आ रहा है, 96 रुपीस हमें मिला है और कितने किलोमीटर का मिला है यहाँ आप देख लीजिए। टोटल इस राइड को कंप्लीट करने में 8 मिनट 55 सेकंड यानी मोटा मोटी 9 मिनट लगा है। डिस्टेंस जो है 1.6 किलोमीटर ही गाड़ी हमारी चली है। आपका पिकअप पॉइंट भले ही 1-2 किलोमीटर का क्यों न रहे, राइड स्टार्ट होने के बाद अब वो 1 किलोमीटर की भी हो सकती है और 10 किलोमीटर की भी हो सकती है। तो OTP डालने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है, जो आपकी गाड़ी कब बंद होगी वो कस्टमर के हिसाब से ही बंद होती है। तो आप देख पा रहे होंगे 1.6 किलोमीटर का हमें 123 रुपये का टोटल का और गाड़ी वाले को जो पैसा मिला वो 96 रुपीज़ एंड 39 पैसा मिला। तो चलिए कोई एक और ट्रिप आपको ओपन करके दिखा देते हैं।
जिस ट्रिप में बहुत ही ज़्यादा पैसा हो। तो मान लीजिए मेरे पास आज सबसे बड़ी ट्रिप जो है वो 215 की है, तो 215 पे मैं जाके टच करता हूँ। 215 पे जैसे ही टच किया तो टच करने के बाद मैं आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे 9.6 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली और टोटल टाइमिंग जो है 26.38, इतना टाइमिंग लगा। और लगने के बाद जो फेयर हमें मिला वो 215 रुपये मिला है, लेकिन कैश कलेक्शन आप देख लीजिए 317 रुपया कस्टमर का बनाया गया। 317 रुपया में हमें 215 रुपया ही मिला है, बाद बाकी सारी की सारी ऊबर की कमीशन हो गई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप देख लिए 2024 ऊबर की कमाई। इस टाइप की वीडियो आपको शायद ही कोई दिखाता होगा इतने प्रूफ के साथ मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। भाई आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे आपको ओला उबर रैपिडो रिलेटेड जो भी जानकारी दी जाती है एकदम 100% सही दिखाई जाती है। ऐसे आप जो हैं अपनी कार की ट्रैकिंग, ड्राइवर को ऐड करना, व्हीकल्स ऐड करना, कमाई चेक करना, सारा कुछ आप अपनी फ्लीट की माध्यम से कर सकते हैं। आशा करता हूं अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।